पीएम आवास योजना 2022 में मोदी सरकार ने किया पीएम आवास योजना में बहुत बड़ा बदलाव। जान ले वरना नहीं मिलेगा इस योजना का पैसा। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन। पीएम आवास योजना 2022 में मोदी सरकार ने किया पीएम आवास योजना में बहुत बड़ा बदलाव। जान ले वरना नहीं मिलेगा इस योजना का पैसा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिकट न्यूज में। केंद्र सरकार की ओर से सबको अपना घर मुहैया कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना में अब महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इससे अब हर कोई इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की ओर से पीएम आवास योजना में बदलाव किया गया है। बता दें कि इस योजना को खासकर गरीब और मध्यम वर्ग लोगों की घर संबंधित आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, लेकिन इसका फायदा ऐसे लोग भी उठाने लगे हैं जिन्हें वास्तव में मकान की आवश्यकता ही नहीं है। उनके पास पहले से ही मकान है और वह सिर्फ इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। ऐसी जानकारी होने के बाद सरकार की ओर से पीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। पीएम आवास योजना के नियमों में क्या हुआ बदलाव? पीएम आवास योजना के पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब पीएम आवास योजना में घर आवंटित होने पर आवंटी को कम से कम 5 साल तक घर में रहना अनिवार्य है। वहीं जो लोग आवंटित किए गए घरों में खुद नहीं रहकर किसी और को किराए पर रख देते हैं और किराए का लाभ ले रहे हैं, ऐसी जानकारी आते ही सरकार की ओर से उनसे घर वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से बनाए गए नियमों के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत आवंटित फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे। मतलब है कि जिन लोगों को फ्लैट दिया गया है वो लोग किसी दूसरे को फ्लैट किराए पर नहीं दे सकते हैं। कम से कम 5 साल तक उसमें रहना होगा। 5 साल रहने के बाद ही रेजिडेंट एग्रीमेंट टू लीज में सरकार द्वारा बदलाव किया गया है। इससे पहले रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज में कोई बदलाव नहीं किया गया था। पीएम आवास योजना के तहत ऐसा पाया गया है कि आपने इसका गलत तरीके से इसका लाभ लिया है तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपने घर खरीदने के लिए जो पैसे जमा किए हैं वो भी वापस लिए जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक पीएम आवास योजना में आवंटित घर को मकान मालिक 5 साल तक नहीं बेच सकता है। यदि ऐसा होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पीएम आवास योजना के नियमों में क्यों किया गया बदलाव? पीएम आवास योजना के नियमों में किए गए बदलाव से सबसे अधिक फायदा गरीब निम्न आय वर्ग वालों को होगा। इससे उन्हें इस योजना का अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि कई लोग गलत तरीके से पीएम आवास योजना का लाभ उठा रहे हैं और इससे गरीब लोगों को मिलने वाला मकान उनको नहीं मिल पा रहा है। इससे पीएम आवास योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। बता दें कि पीएम आवास योजना का चलाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए अपना घर उपलब्ध करवाना है। क्या पीएम आवास योजना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए चलाई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिन लोगों के पास खुद का मकान नहीं है उन्हें इस योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाना है। पीएम आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर आवास उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए बैंक से लोन और सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसमें लिए गए लोन पर ब्याज में सब्सिडी मिलती है तथा लोन चुकाने के लिए 20 साल का समय दिया जाता है। कौन ले सकता है इस योजना का लाभ? सरकार की ओर से पीएम आवास योजना का लाभ विशेष रूप से कमजोर वर्ग को दिया जाता है, जिसमें उन्हें सरकार की ओर से घर खरीदने के लिए 2.66 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। हालांकि अब मध्यम आय वर्ग इसमें शामिल कर लिया गया है, जिससे उन्हें भी सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बता दें कि जिन लोगों की आय 3 लाख रुपए से कम है उन्हें विशेष रूप से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। योजना की पात्रता के लिए दिए गए मानदंड के अनुसार जिन लोगों की आय 3 से 6 लाख के बीच में होती है उन्हें निम्न आय वर्ग में रखा गया है। वहीं जिन लोगों की आय 6 से 12 लाख के बीच में है उन्हें मध्यम आय वर्ग में रखा गया है। इसके अलावा उन लोगों को भी मध्यम आय वर्ग की सेकंड कैटेगरी में शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय 12 से 18 लाख के बीच में है, उन्हें भी सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में इस योजना से संबंधित आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।